हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह एंड आई एम योर इंस्ट्रक्टर इन दिस कोर्स। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इमीडिएट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो कल की क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह से ड्रॉअर नेविगेटर को अपने कंपनी अपने इसमें एप्लीकेशन में लगाते हैं, ठीक है ना। कि जो ड्रॉअर नेविगेटर होता है साइड बार होता है एक तरीके से, अगर वेब के अकॉर्डिंग देखें तो वो चीज़ हम अपने रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन में कैसे लगाते हैं। आज क्या होगा, आज हम ये देखेंगे कि हम टैब नेविगेटर, स्टैक नेविगेटर एंड ड्रॉअर नेविगेटर को कंबाइन करके एक सिंगल एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं जिसमें तीनों नेविगेटर होंगे। क्लियर? तो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि स्टेप सबसे पहले कैसे फॉलो करा जाएगा तुम्हारा। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन क्रिएट करो, ठीक है ना। आज मैं अलग अलग फाइल्स करके दिखाऊंगा कि अलग अलग फाइल्स में हम स्क्रीन कैसे लेते हैं और उसे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन ले लेते हैं हम। मैं यहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट है इसे क्लोज कर लेते हैं। ये जो है आपका कंपोनेंट, इसमें स्क्रीन ले लेते हैं। सबसे पहली स्क्रीन लेते हैं हम होम स्क्रीन, होम स्क्रीन डॉट जेएस। देखो ये कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सबकी फाइल के नाम जो होंगे वो अपर केस लेटर से होंगे, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी अबाउट स्क्रीन। ठीक है, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट वर्ड कैपिटल और सेकंड वर्ड का। हाँ, मैंने अपर कैमल केस यूज किया हुआ है। सेटिंग्स स्क्रीन डॉट जेएस, ठीक है। और इसके अलावा प्रोफाइल स्क्रीन, और इसके अलावा प्रोफाइल के अलावा एक और ले लो, ऐप ऐप दे देते हैं, ऐप स्क्रीन, ठीक है। ये चार स्क्रीन दे दी हैं। मैं वन बाय वन करके एक एक स्क्रीन का नाम दे दूंगा। अभी ऐप डॉट जेएस को क्लोज कर देते हैं, होम स्क्रीन में दे देते हैं RFC फंक्शनल कंपोनेंट RNF, होम स्क्रीन आ गई। यहाँ पे दे देते हैं हेलो होम स्क्रीन। क्या कर रहे हो? हेलो, स्क्रीन विजिबल नहीं है, बीच में अटक जाता है। अच्छा, तो चलो अब हम देखो। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो देखो, होम स्क्रीन नाम से ले लिया। अब इसमें बटन ले लेते हैं, बटन, और यहाँ पर दे देते हैं बटन टाइटल, गो हेलो हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। कैसे आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? अभी नहीं दिखाई दे रही? नहीं। अभी हो रही है, फोटो आ रहा है, अभी भी नहीं हो रही। अब हो गई। चलो ठीक है, इसके बाद क्या करना, बटन ले लिया हमने, ठीक है। बटन के अलावा हमारे पास होता है ऑन प्रेस में पैरेंथेसिस नेविगेशन डॉट नेविगेट हम अरे नेविगेशन होगा नेविगेशन डॉट नेविगेट और इसमें
हम उसी स्क्रीन का नाम दे देंगे जिस पे हमें पहुंचना। किस स्क्रीन पे जाना बताना मेरे को। अबाउट हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे दे देंगे अबाउट। क्लियर। अब इसके बाद अगर आपको स्क्रीन बनानी है वो कौन सी बनानी है? अब आपको अबाउट स्क्रीन बनानी है, तो यही कोड लो और इसमें एक काम करते हैं, फ्लेक्स और दे देते हैं, स्टाइल फ्लेक्स वन, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइंग आइटम्स सेंटर। सेंटर। अब इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे अबाउट स्क्रीन में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेम अबाउट स्क्रीन में हम यहाँ पर दे देते हैं गो टू होम, होम स्क्रीन, होम स्क्रीन पे जाना अबाउट से, और यहाँ पर दे दिया हमने होम। वापस होना है। हाँ वापस होना है, और यहाँ पर दे दिया अबाउट स्क्रीन, और यहाँ पे दे दिया हेलो अबाउट स्क्रीन, एंड एक टेक्स्ट और लेते हैं उसमें देते हैं कंट्रोल शिफ्ट पी लॉरम, लॉरम है उसमें, मैंने लॉरम डाला है नहीं डाला, तो फिर एक काम करते हैं लॉरम नाम से एक एक्सटेंशन आता है उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, लॉरम हेरा लॉरम इप्सम का इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्चुअली पैराग्राफ, डमी पैराग्राफ लेना होता है ना, तो लॉरम इप्सम नाम से आपके पास एक्सटेंशन है वीएस कोड में, आप उसे यूज कर सकते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पर देना है, तो मैं लूंगा कंट्रोल शिफ्ट पी और यहाँ पर आ जाएगा लॉरम, लॉरम देना इंसर्ट अ लाइन, इंसर्ट अ पैराग्राफ, इंसर्ट मल्टीपल लाइन, मेरे को एक पैराग्राफ इंसर्ट करना, क्लिक कर दूंगा तो एक पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर तुम्हारे पास अबाउट स्क्रीन भी बन गई, इसके अलावा आप सेटिंग स्क्रीन बन गई, सेटिंग स्क्रीन में भी वही सब पेस्ट कर दो जैसे कि था, बट इसमें एक चेंज रहेगा तुम्हारा कि इसमें आप बटन यूज नहीं करना। ठीक है ना, अभी मैं जस्ट बता रहा हूं कि आप इस, हम इसमें बटन यूज नहीं करेंगे, ये मत सोचना कि तुम सेटिंग स्क्रीन ले रहे हो बटन यूज नहीं कर रहे हो, मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ एक एप्लीकेशन जिसमें मैं चारों को चारों सॉरी तीनों तीनों नेविगेटर्स का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे दे देता हूँ मैं क्या, सेटिंग स्क्रीन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक काम और करते हैं, हर किसी का बैकग्राउंड कलर और कुछ पास कर देते हैं ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत ना हो। बैकग्राउंड कलर ब्लू वॉयलेट, ठीक है, और इसमें टेक्स्ट में साइज दे देते हैं, स्टाइल फॉन्ट साइज हमने दे दिया 50 pixels का, ठीक है, और कलर दे देते हैं व्हाइट, और इसका नाम भी चेंज कर दो फंक्शन का, क्या इस वाले फंक्शन का तो होम स्क्रीन रहेगा, इस वाले का अबाउट स्क्रीन रहेगा, इस वाले का सेटिंग स्क्रीन रहेगा, बट इसमें हम दूसरा कलर ले लेते हैं, हम इसमें टेक्स्ट में जो कलर है वो दूसरा ले लेते हैं, स्टाइल, और यहां पर हमने दे दिया से फॉन्ट साइज 50 pixels का, एंड कलर दे दिया व्हाइट, ऑल्सो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर येलो काय को देते हो, दिखेगा नहीं, नहीं तो व्हाइट कलर ग्रीन, ठीक है, या कोरल दे दो, कोरल दे देते, कोरल दिखेगा। इसके अलावा सेटिंग स्क्रीन ले लो, सेटिंग स्क्रीन, और यहां पर बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर, और उसमें दे देते हैं हम कोई कलर दे दो, स्टील ब्लू, स्टील ब्लू कलर ही होता है कि नहीं होता, मेरे को याद नहीं है, तो चलो हम कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन दे रही दिया, ग्रीन दे दिया हमने, ग्रीन दे दिया, ग्रीन नहीं दिया अभी, दे दिया, अरे नहीं दिया, ये देखो इसमें दिया था ब्लू वायलेट, इसमें दिया था कोरल, इसका भी फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे फॉन्ट साइज 30 pixels का कर देते हैं इसका,
और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन है तुम्हारा, इसमें भी हम कुछ सेटिंग्स वगैरह दे देते हैं, फॉन्ट साइज इसका 50 पिक्सल्स, कलर वाइट, और इसमें से बटन हटा दो सेटिंग्स के से। इसके बाद आपकी प्रोफाइल स्क्रीन आती है, प्रोफाइल स्क्रीन में भी जैसे कि अभी आपने रखा ना, जैसे सेम ये जो इसके सेटिंग स्क्रीन वाला था यही कॉपी करो और यही लेकर के यहाँ पे रख दो, ठीक है। यहाँ पे दे दिया प्रोफाइल स्क्रीन, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया हेलो प्रोफाइल प्रोफाइल्स स्क्रीन। यहाँ पर बैकग्राउंड में कलर दे दिया, कोई कलर सोचो बढ़िया सा। पिंक अरे यार ब्लू वाले तो हो चुका है, पिंक कलर मत लिया करो, मैं पिंक कलर बहुत गंदा लगता है। रेड ग्रीन ऑरेंज दे दो। ऑरेंज, ऑरेंज दे दिया, व्हाइट हेलो प्रोफाइल स्क्रीन। ऐप स्क्रीन को अभी एक काम करते हैं, छोड़ते हैं, ज्यादा स्क्रीन हो जाएगी फालतू में, एसी से आइडिया मिल जाएगा तुम्हें, है ना। अब तुम्हारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब ये फाइल हमने क्रिएट करी कंपोनेंट में नाम के फोल्डर में चार फाइल, होम हाँ। स्क्रीन, अबाउट स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन और प्रोफाइल स्क्रीन, हम्म, और उसके अंदर हमने कंपोनेंट बना लिया है हर किसी का, ठीक बिल्कुल। है। उसके अंदर हमने सीएसएस लगा दी, कलर कलर लगा दी। हम्म, कोई दिक्कत इसमें है? नहीं। इसमें एक प्रॉब्लम थी जो तुमने नहीं देखी, मैं सोच ही रहा था कि तुम देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, लेकिन तुमने नहीं देखी। यहाँ पर हमें नेविगेशन पास करना पड़ेगा बेटा, कि तुमने नेविगेशन पर ध्यान नहीं दिया। जहां पर भी आप बटन करके नेविगेशन करोगे आपको नेविगेशन पास करना पड़ेगा, और इसमें नेविगेशन नहीं है, अगले नेविगेशन नहीं पास करना पड़ा। उसमें नेविगेशन ठीक ठीक है ना, उसमें नहीं था इसलिए नहीं पास करना पड़ा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टैक नेविगेटर क्रिएट करना, ठीक है। तो हम एक फाइल बनाते हैं, चाहे तो इसमें ही बना लो, चाहे नेविगेटर से अलग से फाइल बना लो, लेकिन मैं इसी में बना दे रहा हूं अभी, स्टैक नेविगेटर कंपोनेंट, तो component.js, क्लियर। अब यहां पर क्या करो, वही रिएक्ट वाला RFC RNF। सबसे पहले आप रिएक्ट ले लिया आपने, इसके बाद आप लो स्टैक नेविगेशन को, वो सॉरी नेविगेशन कंटेनर हम किस लाइब्रेरी से लेते हैं बताओ मेरे को। नेविगेशन कंटेनर, नेविगेशन की लाइब्रेरी से ले लेंगे। हाँ IMD, और इसमें दिया एट द रेट रिएक्ट नेविगेशन, और इसमें भी कौन सा नेटिव वाला, यानी कि ये, ठीक है, इसमें ले देते हैं नेविगेशन कंटेनर। इसके बाद क्या करना होता बताओ हमें, इसके बाद स्टैक नेविगेटर इंप्लीमेंट करना है, तो स्टैक स्टैक नेविगेटर लेना पड़ेगा कि नहीं, एट द रेट रिएक्ट नेविगेशन स्टैक और स्टैक क्रिएट स्टैक नेविगेटर, क्रिएट स्टैक नेविगेटर। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है ना, क्रिएट स्टैक नेविगेटर पूरा फंक्शन प्रॉप नहीं है, ये कंपोनेंट, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ठीक है। और ये पूरा तुम्हारा कंटेनर। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, हम स्टैक क्रिएट कर, हम एक काम और करेंगे, IMP इम्पोर्ट रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, ये लेना है, और यहाँ पे क्या नाम देना है, आइकन, ठीक है। अब तुम्हारी जितनी भी स्क्रीन्स हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट कर लो, अभी इसे हटा दो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो IMP, और इसमें जो तुम्हारी स्क्रीन थी कौन सी स्क्रीन थी, होम प्रोफाइल अबाउट अबाउट सेटिंग्स वगैरह ये जितनी भी थी, तो यहाँ पे दे दिया स्लैश आपकी होम स्क्रीन, ठीक है, ठीक IMP स्लैश आपकी अबाउट स्क्रीन,
सेटिंग आईएमपी और सेटिंग स्क्रीन ठीक है आईएमपी स्लैश प्रोफाइल स्क्रीन ठीक है। तो ये आपकी सारी स्क्रीन इंपोर्ट हो गई, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। आप क्या करना है, आपको सिंपल स्टैक को STACK स्टैक इज इक्वल टू क्रिएट स्टैक नेविगेटर इसे ले लेना है। सर हमने ये स्टैक क्रिएट स्टैक नेविगेटर किसी वेरिएबल में स्टोर करा दिया और उसको फिर बार बार इसको ना लिखते हम इसको यूज करेंगे स्टैक को। हाँ क्लियर, यहां तक दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब हमें एक मेन स्टैक वो बनाना है जिसमें हम दो स्क्रीन लेंगे और बाकी दो अलग अलग तरीके से बनाना है जिन्हें हम अलग अलग रखेंगे। कैसे रखेंगे अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मतलब जिन्हें तुम्हें बटन के थ्रू कनेक्ट करना है स्टैक को उनको एक ही फंक्शन में रखना है और जिन्हें कनेक्टेड नहीं रखना है। जैसे कि होम को आपको अबाउट से कनेक्ट करना था ठीक है ना, होम स्क्रीन को अबाउट स्क्रीन से कनेक्ट करना था ठीक है, बाकी सेटिंग वेटिंग किसी से कनेक्ट नहीं करना है। तो आपको होम और अबाउट को एक ही स्टैक में रखना पड़ेगा, याद रखना ये चीज। अब मैं ले लेता हूँ कॉन्स्टेंट, जिसको हमें कनेक्ट करना है उसको हम एक ही रखेंगे। हाँ मेन स्टैक इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस और इसमें पैरेंथेसिस में हम जो मतलब नेविगेशन दे देते ना नेविगेशन ये दे दिया ठीक है। हाँ रिटर्न और यहां पर आपको देना है स्टैक डॉट नेविगेटर और इसमें स्टैक डॉट स्क्रीन। अभी मैं बता दूंगा कि मैंने नेविगेशन कंटेनर यहां क्यों नहीं लिया ठीक है ना, इस वाले फंक्शन में नेविगेशन कंटेनर क्यों नहीं लिया ये मैं अभी तुम्हें बता दूंगा ठीक है ना। अब स्टैक स्क्रीन में क्या आना चाहिए, आपके पास दो स्टैक स्क्रीन आएंगी जो कि मेन स्टैक में आएंगी, एक होम और एक अबाउट। नेम आपकी स्टैक स्क्रीन का क्या है, नेम नेम क्या है, होम। होम नाम नहीं है उसका। और कंपोनेंट, कंपोनेंट लगेगा आपका होम स्क्रीन। क्लियर, उसी तरीके से यहां पर नेम लगेगा आपका अबाउट और कंपोनेंट लगेगा अबाउट स्क्रीन। अबाउट स्क्रीन यहां तक कोई दिक्कत ये आपने इसमें ये मेन स्टैक जो बनाया है हाँ नेविगेशन के थ्रू हमने नेविगेटर इसमें पास कर दिया है, मेन स्टैक इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में ही पास किया जाएगा। जो एक एरो फंक्शन बनाया ना, एरो फंक्शन तो हमेशा डबल बैक कर्ली ब्रेसेस लेते ही नहीं। कर्ली ब्रेसेस, अरे वो कर्ली ब्रेसेस तब नहीं लेता जब है ना रिटर्न नहीं लगाना होता तुम्हें। नहीं ये वाला कर्ली ब्रेसेस की नहीं कह रहा मैं। हाँ ये वाला, ये अब आपने ये आपने रिटर्न लगा ये वाला कह रहे हो ना, ये वाला। हाँ ये वाला लेता है जब डिस्ट्रक्चरिंग करनी होती है और ये मैंने तुम्हें बताया भी है डिस्ट्रक्चरिंग के लिए होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर रिटर्न नहीं लगाया होता, रिटर्न नहीं लगाया होता हाँ, तो फिर ये वाला एरो फंक्शन भी हट जाता ना। कौन सा, ये वाला लगाना भाई, रिटर्न लगाना ठीक है ना, ये ऐसे मत यूज कर लेना। ये तब यूज करते हैं जब हम JSX के अंदर ऐसे यूज कर रहे होते हैं और हमें रिटर्न नहीं लगाना होता ठीक है ना। ठीक है, JSX के अंदर यूज करना तो खाली कर्ली ब्रेसेस हटा के रिटर्न हटा देते थे और फिर ये डबल ब्रैकेट जो आपने ब्रैकेट लगाए ना रिटर्न के बाद, हाँ और उसको हम कर्ली ब्रेसेस में पास कर देते थे। तुम अभी इनिशियली बिगिनर लेवल पे जैसा सिंटैक्स मैं यूज कर रहा हूँ ना यही यूज करो ठीक है। अभी शॉर्ट एंड सिंटैक्स में मत जाओ, पहले इससे प्रैक्टिस करो ना जो इम्पोर्टेंट है ठीक है ना। देखो चीजों को पहले अच्छे तरीके से सीख लो, उन्हें फिर शॉर्ट बना लो भले ही बाद में। अब स्टैक स्क्रीन में नेम आ गया या फिर कंपोनेंट आ गया, अब इसमें ऑप्शंस लेते हैं। ऑप्शंस क्यों लेंगे, क्योंकि तुमने देखा होगा कि ऊपर एक बटन आता है मेन्यू का, देखा है ना, तो वो मेन्यू का बटन कैसे आएगा, तो उसके लिए ऑप्शंस में गए ठीक है। इसे मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूं, इसे भी नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं और इसे भी नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं यहां पर, इसे इस तरीके से। अब इसमें क्या आएगा,
इसमें आपके जो आइकन वगैरह आते हैं वो कैसे लगाते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने हेडर को ट्रांसपेरेंट कर दो, हेडर ट्रांसपेरेंट इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। ये मैंने बताई थी, यही प्रॉप यूज करी कि नहीं करी मैंने। इसके बाद आप अपने हेडर के टाइटल को मतलब सेंटर अलाइन देना चाहता हूं मैं, हेडर अलाइन, मैंने कॉमा नहीं दिया एक्चुअली, दे दिया, ये एरर क्यों आ रही है? यहाँ पर एक मिनट निकालिए एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एरर इसलिए आ रही है क्योंकि शायद से ट्रू इस तरीके से देना, अब नहीं आएगी। हेडर टाइटल अलाइन और इसे दे दिया मैंने सेंटर, हमें सेंटर में लेना है। और अब अगर आपको आइकन रखना है तो आइकन के लिए आपके पास लेफ्ट साइड में ही तो रखा होता है आइकन, यहाँ पे तो रखा नहीं अच्छा होता, यहाँ पे रखा होता ना, तो हेडर लेफ्ट ये वाली प्रॉप लगेगी। और इसके बाद आपको कोलन लगाना है, पेरेंथेसिस देना है इस तरीके से, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला लगेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर आइकन इस तरीके से रख सकते थे। तो हम हमारे पास वही लाइब्रेरी थी, एंटाइपो नाम से मैं ले लेता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश एंटाइपो, और यहां पर हम अपनी लाइब्रेरी को ओपन कर लेते हैं। ओब लेटर रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, अरे ये तो गिटहब वाली खुल गई, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, अरे ये आ तो गई। हाँ तो इसमें ले करते हैं मेन्यू, ये आ गया मेन्यू, ठीक है इसे ही रख लेते हैं। आइकन ले लेते हैं समझ नहीं आई क्या? कि आपने ऑप्शन में ट्रांसपेरेंट दे दिया, इसका ट्रांसपेरेंट कलर ट्रांसपेरेंट रहेगा ट्रांसपेरेंट मतलब कोई कलर ही नहीं रहेगा, ना हेडर का, वैसे और बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट व्हाइट आता है, व्हाइट आता है वो। टाइटल जो और होगा अबाउट हेडर वगैरह टाइप आता है वो सेंटर में आ जाएगा, और हेडर लेफ्ट सेंटर। मतलब लेफ्ट साइड में हमें आइकन लगाना है, तो हेडर लेफ्ट प्रॉप दी जाएगी, अब इसके अंदर आइकन पास किया जाएगा। एरो फंक्शन लगाया ना ये। हाँ आइकन में नेम देना आपको, नेम इज इक्वल टू मेन्यू, ठीक है। अब कलर वगैरह तो जो आप देना चाहो वो दे सकते हो, मैं कलर दे देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं इसको स्टाइल वगैरह दे देते हैं, स्टाइल STYLE स्टाइल इज इक्वल्स टू कोलन फॉन्ट साइज, मैंने सोमल लाया हमने आइकन नेम दें, क्या कह रहे हो? आइकन के बाद नेम में इक्वल टू मेन्यू कॉमा नहीं लगाया। नहीं, इधर में इधर कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा कब लगता है पता है? कॉमा लगता है जब आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट में देते हो। और हमें यहाँ पे जो आपने एरो फंक्शन बनाया है, जो ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे ना, या कर्ली ब्रेसेस जाएंगे इधर, या हम JSX के अंदर कोड लिख रहे हैं। ये वाला कर्ली हाँ ब्रेस नहीं, ये ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे पैरेंथेसिस, अच्छा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसमें स्टाइल में आपकी कलर ले लेते हैं हम ग्रीन, ग्रीन ठीक है ना। और अभी मार्जिन वार्जिन नहीं दे रहे, पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है। इसके अलावा आप जो वो दोगे मतलब एक ऑन प्रेस पैरेंथेसिस, अब यहां पर ये जो नेविगेशन है ये काम आएगा, नेविगेशन डॉट ओपन ड्रॉअर, और अब आया कि नहीं, है ना, अच्छा ये आ गया। ये आपके किस में आ गया? आपके स्टैक स्क्रीन में आ गया, मेन वाली में, क्लियर। अब आपका जो यही चीजें स्टैक स्क्रीन नेम होम कंपोनेंट वगैरह यही कॉपी करो, ओपन ड्रॉवर जो टॉप्स होगी ना सर। तुमने अभी अभी तुमने मुझसे जो चीज पूछी थी ये वही है, पता है तुम्हें? तुमने मुझसे फंक्शन पूछा था उससे ऊपर ही लिखा हुआ था ओपन ड्रॉअर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ड्रॉवर तुम्हें, ड्रॉवर बताया था कि नहीं बताया था? ड्रॉवर पेस्ट कर सन्नी वाला दिया यहाँ पेस्ट पे, अबाउट 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 स्क्रीन, अबाउट ठीक है। वही सब चीजें इसमें भी दे देनी है,
कलर चेंज कर देंगे। एक इसका साइज और दे लेते हैं, अभी हमने साइज नहीं किया। 35 वही साइज यहाँ पे दे देते हैं, 35 के अकॉर्डिंग, 30 या 35 जो भी दे देना है दे दो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ये आपने अलग सी फाइल में, अलग फाइल में क्रिएट किया है, एक उसी फाइल की फाइल में काम? स्टैक नेविगेटर कंपोनेंट नाम से मैंने बनाया है। हाँ, और उसी में लगा स्टैक नेविगेटर। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि आपने स्टैक नेविगेटर का अभी आपने ओपन डॉट ड्रॉपर लगाया, स्टैक नेविगेटर में अभी वो लिखते हैं अबाउट ऑप्शन आइकन लगा दिए। अगर आप कह रहे हैं ना मैं कॉपी करके पेस्ट मारूंगा, उधर मैंने कर तो दिया, ये कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अलग फाइल कहाँ है, वही फाइल है ये, तो स्क्रीन होम वाली स्क्रीन थी, अभी आइकन बनाया नहीं था मैंने, और ये उसके नीचे अबाउट वाली बना दी है। अच्छा, उसी के नीचे बनाती है। हाँ ठीक है, अब हम सेटिंग स्क्रीन के लिए जो भी कंपोनेंट लेना होता बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मेन स्टैक लिया था, कॉन्स्टेंट सेटिंग कैपिटल में सेटिंग स्क्रीन, सेटिंग्स स्क्रीन तो स्क्रीन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में भाई नेविगेशन, क्योंकि हमें नेविगेशन कराना है इससे भी, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, जैसे आपने यहां पर दिया वैसे ही आपको यहां पे देना है, जैसे आपने यहां पे दिया वैसे ही आपको यहां देना है। कैसे, रिटर्न लगाया, रिटर्न लगाने के बाद सिंपल ये जो चीज है आपकी स्टैक स्क्रीन यही कॉपी करो, और नेविगेटर है ये भी कॉपी कर लो, ऊपर लगा देंगे अभी। ये पेस्ट किया, ये कॉपी कर लिया, और ये कॉपी करके यहाँ लगा दिया। यहाँ पे कोई दिक्कत बताओ, क्या समझ में नहीं आया इसमें? सेटिंग स्क्रीन वाली जो फाइल थी, सेटिंग स्क्रीन वाली फाइल ये थी, ठीक है ना, इसमें था क्या लिखा, हेलो सेटिंग स्क्रीन लिखा आएगा उधर, ठीक है ना। और उसके बाद हमने स्टैक नेविगेटर कंपोनेंट के अंदर हमने देते हैं ये फंक्शन क्रिएट किया है। हाँ मैंने तुम्हें क्या कहा था, जो कनेक्ट करने उन्हें मेन स्टैक में रखना, तो जो कनेक्ट नहीं करने उनकी अलग स्क्रीन बनानी है। अलग से स्क्रीन, ठीक है, आपने अलग से स्क्रीन बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर सेटिंग्स देना है स्क्रीन का नाम, ठीक, और यहाँ पर दे देना है आपको जो आपने कंपोनेंट इंपोर्ट किया था सेटिंग स्क्रीन, ये वाला, ये, ठीक है। इसके बाद सेटिंग स्क्रीन के बाद कॉपी करो ये सेटिंग स्क्रीन को, और एक और बना लो प्रोफाइल स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन के बाद अब आता प्रोफाइल स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पे दे दिया प्रोफाइल, और यहाँ पे दे दिया प्रोफाइल स्क्रीन, हेडर अलाइनमेंट वगैरह वगैरह सब है। अब मैंने ओपन ड्रॉअर दिया क्यों है अभी मैं वो भी बता दूंगा, पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का बता दो अभी मुझे। हम बटन पे प्रेस कर रहे हैं ओपन ड्रॉअर पे, हाँ ऑन प्रेस, लेकिन उसमें तो हमने बटन बनाया नहीं था ना। किसमें बटन नहीं बना था? सेटिंग स्क्रीन। अरे तो बटन नहीं बनाया था तो इसका इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम यहाँ पे बटन पास नहीं कर सकते। अब ये बटन थोड़ी है, ये तो एक इवेंट हैंडलर है, ऑन प्रेस, इसमें बटन कहाँ है, ये कहाँ बटन लगाया मैंने, और उसका, और उसका इससे क्या लेना देना। ये तो बस एक कंपोनेंट था, डेटा था, जो कि मैंने इस स्टैक नेविगेटर के थ्रू दिखाना है मेरे को स्क्रीन पे। अब पता क्या करना है, अब यहाँ पर ये जितनी भी सबकी स्क्रीन बनी हुई है, प्रोफाइल स्क्रीन, अरे मैंने प्रोफाइल्स लेना है, प्रोफाइल्स स्क्रीन ये देना, सेटिंग्स स्क्रीन, मेन स्टैक। अब क्या करना है आपको, ये सारे के सारे स्टैक्स वगैरह सबको एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है। कैसे एक्सपोर्ट करना है, बस यहाँ पर सिंपल लिखना है एक्सपोर्ट कर्ली ब्रेसेस मेन स्टैक कॉमा आपका सेटिंग्स स्क्रीन, सेटिंग्स स्क्रीन और प्रोफाइल्स स्क्रीन, ये चीज, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट कर लेंगे।
एक ऐप वाली जो पड़ी थी वो भी लिख दें इसमें, चलो वो बाद में देखेंगे, पहले तीन ही लगा के चलेंगे। ठीक है, अब आपका दूसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। ठीक, अब आपका तीसरा स्टेप आता है कि टैब नेविगेटर बनाना। ठीक है, टैब नेविगेटर के लिए एक फाइल और बनाओ, टैब नेविगेटर कंपोनेंट डॉट जेएस, टैब नेविगेटर कंपोनेंट डॉट जेएस। क्लियर? मैं देखो सारे के सारे अभी मैं तुम्हें समझाते हुए चल रहा हूँ, उसके बाद मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चीज क्या है। ठीक है, अब इसमें हम जो टैब नेविगेटर यूज करने वाले हैं वो एक नया टैब नेविगेटर है जो कि मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया था, या फिर उसे कर ले। चलो उसको मैं बाद में दिखाऊंगा, नहीं तो फिर अभी मुझे पूरा वही बंद करना पड़ेगा, फिर बंडलिंग करानी पड़ेगी। देखूं मैंने इंस्टॉल कर रखा भी है कि नहीं मटेरियल बॉटम। हाँ ये रहा मटेरियल बॉटम टैब्स। अभी तक हम जो यूज कर रहे थे नेविगेटर बॉटम टैब्स के लिए वो ये था, रिएक्ट नेविगेशन बॉटम टैब्स। लेकिन अब जो यूज करेंगे हम करेंगे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन मटेरियल बॉटम टैब्स, बिकॉज ये थोड़ी सी अच्छी यूआई देता है कंपेयर टू दिस बॉटम टैब्स के। ठीक है, तो टैब नेविगेटर कंपोनेंट में जाओ। अब सिंपल जैसे कि आर एन एफ जैसे आपने वो लिया था वैसे ये ले लो, अभी इसमें कुछ नहीं करना, ये सब इसको डिलीट मारो। यहाँ पे अब क्या करना है आपको, टैब नेविगेटर से बनाना। अब इसके लिए सबसे पहले आई एम डी और इसमें डिलीट मारते हैं एट द रेट रिएक्ट नेविगेशन मटेरियल बॉटम टैब्स। ठीक है, ये इसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा ना? नहीं वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है ना, ये उसी पे मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, बस बॉटम टैब जैसे कि तुमने देखो दिखा देता हूं मैं, रिएक्ट नेविगेशन। ठीक है ना, इस पे गए, इस पे जाने के बाद यहां पे क्लिक किया, डॉक्स। अब यहां पर आपके पास बॉटम टैब नेविगेशन होगा, कहां गया, ये रहा मटेरियल बॉटम टैब्स, इस पे क्लिक किया, ये आपका आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, हाँ ये इस तरीके से होता है कुछ, तो ये इधर से इंस्टॉल कर लेना, इधर से इंस्टॉल हो जाएगा ये। यार्न से करना चाहो तो यार्न से कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ये, क्रिएट मटेरियल बॉटम टैब नेविगेटर, ये सारा हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो स्क्रीन एक्सपोर्ट कराई थी ना स्टैक नेविगेटर कंपोनेंट में, उसे यहाँ पे इंपोर्ट करा दो, आई एम डी और डॉट करके स्टैक नेविगेटर कंपोनेंट। अब यहाँ पर आपका मेन स्टैक था एक तो है ना, मेन स्टैक कॉमा सेटिंग स्क्रीन कॉमा प्रोफाइल स्क्रीन, यही थी। ठीक है, अब देखो ये जो मटेरियल बॉटम टैब नेविगेटर है ना, मैंने अभी कंट्रोल शिफ्ट टी, ये जो मटेरियल बॉटम टैब नेविगेटर है ये आपका मांगेगा कौन से मटेरियल आइकन्स मांगता है, मतलब यहाँ पर ये जो रखते हुए ना आइकन्स, इसमें भी मटेरियल आइकन्स जो होते हैं ये वाले मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स, ये यही मांगता है। आप चाहो तो दूसरे भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसी को लगा करके बता दे रहा हूँ, कम से कम अभी तुम्हारे एक दूसरा तो वो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंपोर्ट और यहां पर देते हैं रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स स्लैश मटेरियल कम्युनिटी आइकन्स, ये रहे, इसी को कॉपी करो और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, या फिर आइकन नाम से लेना चाहो आइकन नाम से भी ले सकते हो, मैं इसी से नाम से ले लेता, यहां तक कोई दिक्कत है? ये हम आगे से कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो, जो मटेरियल तुम्हारी मर्जी है, जो नाम देना चाहो वो दे दो। कम्युनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम टैब नेविगेटर बना लेते हैं, कॉन्स्टेंट टैब इज इक्वल टू क्रिएट
क्रिएट, ये जो था आपका मटेरियल बॉटम टैब नेविगेटर से कॉपी करो और ये यहाँ पर पेस्ट करो। सिंपल, इतना बड़ा ना लिखना पड़े, बिल्कुल। अब क्या करते हैं, अब जैसे टैब नेविगेटर, जैसे हमने स्टैक नेविगेटर के लिए फंक्शन बनाया था ना मेन स्टैक करके, उसी तरीके से टैब नेविगेटर के लिए टैब नेविगेटर स्टैक करके बना लेते हैं। कॉन्स्टेंट टैब नेविगेटर स्टैक पैरेंथेसिस रिटर्न, एंड अब यहां पर मैं तुम्हें एक वो बता देता हूँ कि यहाँ पे कोड लिखा होगा इसका, कहाँ गया होगा, नहीं कहीं पे कोड होगा, ये रहा, यही कॉपी कर लो, ठीक है, टैब नेविगेटर तक का पूरा यही पेस्ट कर दो यहाँ पे, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और इसको थोड़ा सा अंदर खिसका देते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, अब यहां पर अपनी स्क्रीन्स का नाम देना है पर तुम्हें, ठीक है ना, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन्स का नाम दोगे जो कि मोबाइल में नीचे दिखेगी आपको, ये क्लोज हो गया, लेट्स व्यू, नीचे दिखेगी आपको, ठीक है। स्क्रीन का नाम मैंने दे दिया होम, अब इसने दिया टैब बार लेबल, तो टैब बार लेबल मतलब ये जो होम की जगह तुम और कुछ दिखाना चाहते हो तो वो भी दिखा सकते हो। कंपोनेंट में आपने क्या देना है, कंपोनेंट में आपको ये मेन स्टैक पास करना है जो सबसे पहला वाला है, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है आपका, नोटिफिकेशन नहीं है हमारा, हमारा क्या है इसके बाद, जो टैब बार लेवल क्या है, टैब बार लेवल चाहो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे होम है ऊपर दिखता है ना, नीचे दिखता, नीचे जो दिखते हैं तुम्हारे आइकन में है ना, उसमें अगर, हाँ उसमें अगर होम की जगह कुछ और दिखाना चाहते हो, वो एक तरीके का लेबल होता है, जो टेक्स्ट लिखा होता है नीचे, आइकन बना होता है ऊपर और नीचे टेक्स्ट लिखा होता है ना, तो नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है ना उसका कुछ और भी नाम देना चाहो तो टैब बार लेवल के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। अब आपको अगली स्क्रीन कौन सी करनी है, सेटिंग्स वाली, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, सेटिंग स्क्रीन जो आपने इम्पोर्ट करी थी ये वाली, उसमें हमने खाली इसमें जाके हमने आइकन लिया था, इसमें हम ले रहे हैं, क्या कहते हैं टैब बार आइकन लगा रहे हैं ना, टैब बार आइकन, इसमें वहां पर हम आइकन दे देते ऑप्शन में जाकर, हाँ तो यहाँ पर हम मटेरियल कम्युनिटी आइकन दे रहे हैं, हाँ मटेरियल कम्युनिटी आइकन दे रहे हैं यहाँ पे, वहां पे आइकन दे देते हम, यहाँ पे आइकन मटेरियल कम्युनिटी आइकन दे दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, हाँ अब यहाँ पर क्या है कि आपको सेटिंग्स ही देनी है यहाँ पे भी, सेटिंग्स, और यहाँ पर नेम में आप यहाँ पर जाकर के सेटिंग सर्च करो तो आपके मटेरियल आइकन्स जो होंगे ना उनमें भी सेटिंग्स का कहीं ना कहीं ऑप्शन तो होगा ही, सेटिंग हेल्पर लिखा हुआ है, ये नहीं होता, एक काम करते हैं, कॉगविल होता वो एक तरीके से, ये रहा कॉग, ये होता है ना सेटिंग्स का आइकन, ये सब होते हैं, कौन सा लगा दू बताओ, ये वाला इसे कॉपी कर, क्या यही लगा देते हैं, कॉग वाला, ठीक है, यहाँ पे दे दो कॉग, ठीक है। अब टैब स्क्रीन में यहाँ पर जाकर के आपकी प्रोफाइल है, और यहाँ पर प्रोफाइल दे दी, और यहाँ पर आपने ने दिया प्रोफाइल FIL, और यहाँ पे प्रोफाइल स्क्रीन, क्लियर। एक बार दोबारा समझा दो टैब स्क्रीन बारे की, आपने कहाँ पर सेटिंग दे दिया प्रोफाइल, मैंने मेरे को यहाँ पे प्रोफाइल नहीं देना था, यहाँ पर कुछ और देना था, यहाँ पर देना प्रोफाइल स्क्रीन, क्या कह रहे हो तुम, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर आपने प्रोफाइल स्क्रीन दिया, कहाँ पर प्रोफाइल दिया, देखो प्रोफाइल्स में जिसमें एस लग रहा है, प्रोफाइल से लग रहा है, वो एक तरीके कंपोनेंट है जो कि मैंने एक्सपोर्ट किया स्टैक नेविगेटर से, और जिसमें खाली प्रोफाइल लग रहा है, जैसे कि ये है, ये सॉरी प्रोफाइल लग रहा है जिसमें खाली, वो क्या है, वो मैंने एक अलग फाइल से लिया है,
समझ में आया? कंपोनेंट प्रोफाइल स्क्रीन, हाँ, जिसमें एस लग रहा है, प्रोफाइल्स लग रहा है, प्रोफाइल्स वो क्या है, वो स्टैक नेविगेटर में बनाया गया एक कंपोनेंट है, और जिसमें खाली प्रोफाइल लग रहा है वो इस तरीके से जैसे सेटिंग्स थी ना यहाँ पर, ये जो प्रोफाइल थी ये वाली फाइल है वो, ठीक है, ठीक जो डेटा हमें दिखेगा, जो स्क्रीन हमें दिखेगी, क्लियर। अब ये तीन स्क्रीन बन गई आपकी प्रोफाइल, बस यहाँ पे मटेरियल आइकन में आपके पास प्रोफाइल नाम से आइकन है कि नहीं है चेक कर लो एक बार। ये रहा प्रोफाइल, फेस प्रोफाइल वगैरह ये सब दिखा रहा है। ऊपर लगा हुआ है, आठ भी एक काम करते हैं, ये तो अजीब सा लग रहा है, कुछ और ले लेते हैं, अकाउंट देखते हैं, अकाउंट ये रहा प्रोफाइल के लिए, ये सही है, ठीक है, इसी को लगा देते हैं, समझे। अब ये तुम्हारा टैब का काम हो गया पूरा का पूरा। अब क्या करना है, तुम्हारे इसमें थे तीन कंपोनेंट, अब इसमें एक रह गया, एक कंपोनेंट टैब नेविगेटर स्टैक, इसे कॉपी करो और इसे एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टैब नेविगेटर स्टैक। अब आपका बनेगा ड्रॉअर, ये आपका अगला स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ड्रॉअर DRAWRER ड्रॉअर नेविगेटर कॉम्पोनेंट डॉट जेएस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं। आर ई आर नहीं होता, मेरे से स्पेलिंग गलत हो गए, ड्रॉअर, ठीक है। अब इसमें भी वही आर एन एफ यहाँ पे लिया, अब यहां पर नेविगेशन कंटेनर लग रहा है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन यहां पर ये मैं एक गलती हो गई, मेरे को ये यहां पर नहीं करना चाहिए, मेरे को ये ऐप कंपोनेंट में करना चाहिए, एक्चुअली मेन कंपोनेंट तो वही है ना, सेव अलग इसको, से फाइल क्रिएट नहीं हाँ अलग से फाइल नहीं के। देखो आपको दिखाना जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ओपन हो तभी तो आपको ये तीनों के तीनों स्टैक नेविगेटर वगैरह सारे एक साथ कनेक्टेड दिखाने हैं, तो सबसे पहले ये फाइल कौन सी ओपन हो रही है, ऐप ओपन हो रही है रही ना, तो ऐप में तो दिखाना है, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी आपका ड्रॉअर नेविगेटर हो रखा है, नेविगेशन कंटेनर हो रखा है ऑलरेडी, तो ये दोनों तो मेरे को इम्पोर्ट नहीं करने पड़ेंगे, व्यू और टेक्स्ट की मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है, बस मेरे को ये जो टैब नेविगेटर कंपोनेंट था ना ये इम्पोर्ट करना है, तो यहाँ से ले लेते हैं IMP पोर्ट टैब नेविगेटर कंपोनेंट, और यहाँ पे देते हैं टैब जो हमने एक्सपोर्ट किया था, यहाँ से क्या एक्सपोर्ट किया था, टैब नेविगेटर स्टैक कॉपी किया और यहाँ से यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर दिया, इसको हटा देते हैं, ये जो गेम स्क्रीन वगैरह हमें इसकी किसी की जरूरत नहीं है, बस हमें जरूरत किसकी है, ड्रॉवर की, ठीक है। अब नेविगेशन कंटेनर में जाकर के ड्रॉअर नेविगेशन में जाकर ड्रॉअर स्क्रीन है, ठीक है ना, पहले से ही हटा देते हैं, सही रखते हैं, एक ही स्क्रीन लेनी है और उसी में बाकी सब कुछ रख देना है। यहां तक कुछ दिक्कत नेविगेशन है? कंटेनर हो गया सर। एक चीज, जब आपने वहां पर ड्रॉवर नेविगेटर लगा रहे थे तो आपने वहां पर नेविगेशन कंटेनर नहीं लगाया था हाँ वहां पे नहीं उस लगा, वाले? देखो नेविगेशन कंटेनर वहां पर लगेगा जहां पर आपकी मेन ओवरऑल एप्लीकेशन रखी जाएगी, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसमें से किसी में नहीं लगा था। अब यहां पर नेम दे देते हैं, होम, ठीक है, और कंपोनेंट क्या है आपका, टैब नेविगेटर स्टैक, ये वाला, मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टैक नेविगेटर में कंपोनेंट बनाए, उन्हें एक्सपोर्ट किया, उनको टैब नेविगेटर में रखा, अब टैब नेविगेटर में सारे कंपोनेंट बनाए और जितने भी स्टैक नेविगेटर से कंपोनेंट थे उसमें टैब स्क्रीन में रखा, अब टैब नेविगेटर को एक सिंगल लेकर के ड्रॉअर में रख दिया, अब सारी फाइल्स को सेव कर लो, सेव ऑल, सारी फाइल सेव हो गई आपकी। अब क्या करना है, अब आप अपना मोबाइल, मैंने ये बंद हो गया था, मैं सेव दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, लेट्स व्यू को, ठीक है, ये ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो ये रही, इसे रिफ्रेश कर देते हैं,
एक एरर आ रहा है, एनटाइपी, एनटाइपी हमने गलत आइकन दे दिया है, एनटाइपी नहीं है, एनटाइपो है, एनटाइपो, सेव किया, रिफ्रेश। कॉलिंग रन एप्लीकेशन क्या दे रहा है यार, ऐप डॉट जेएस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन ऐप, सारी चीजें हैं यहाँ पे। इसे एक काम करो, क्लोज करो, दोबारा से ओपन करते हैं। इसको भी क्लोज कर देते हैं, सारी एप्लीकेशन को मोबाइल में से भी, और फिर इसे ओपन करते हैं। क्लियर आ रहे हैं, स्टार्ट किया, दिखा दे रहा है रजिस्ट्री इज नॉट एज रजिस्टर्ड कॉलेबल मॉड्यूल। मैं देखता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है, पहले मैं इसे सबको क्लोज कर लेता हूँ। ये तो सब सही है, फिर क्या दिक्कत है? चल गई है एप्लीकेशन, में दिखाता हूँ अब वो कहाँ है। अब इसका यूआई सही कर लेंगे, बस यूआई थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, तो कहाँ गया। लेट्स व्यू ओपन है, लेट्स व्यू ओपन नहीं है, लेट्स व्यू को ओपन कर लेते हैं। देखो ये स्क्रीन आई है ये, और देखो यहाँ पे बटन भी आ रहा है। हम इन सब की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, अभी तक तो हमें पता नहीं थी कि कौन सी चीज कैसे आ रही है, लेकिन अब तो मैं दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास ड्रॉअर भी ओपन हो जाएगा। अभी गो टू अबाउट स्क्रीन, इसको क्लोज दोबारा से करना पड़ेगा। पता थी कि मैं कोड तो सही लिखा है, कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। ये जो दिखा रहा ना ऐप रजिस्ट्री वाला मॉड्यूल, ऐप रजिस्ट्री इज रजिस्टर्ड, ये पहले चलता था, अब नहीं चलता। एक्सपो में नहीं यूज होता ये, और इसमें भी यूज नहीं होता। अभी देखूं, हाँ ओपन हो गया, ड्रॉअर भी चल रहा है आपका, आपकी सेटिंग्स स्क्रीन भी रही, मोबाइल स्क्रीन ये रही, ठीक है ना। ऊपर हेडर भी तुम्हें दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट आ रहा है। अबाउट स्क्रीन पे जाओगे क्लिक करके तो अबाउट स्क्रीन पे भी पहुंच गए, ठीक है। नीचे क्या लिखा रहा है सेटिंग प्रोफाइल, ये अरे टैब नेविगेटर नहीं था तो वही तो लिखा रहा है। तो नीचे वाला टैब है, ऊपर वाला हेडर, ऊपर वाला देखो अभी आइकन वगैरह छोटे आ रहा है, अभी इन सबको सही कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम जाते हैं होम पे, जाते हैं होम पे, ठीक है ना, और होम पे जाकर के सारी चीजें सही करते हैं। सबसे पहले होम स्क्रीन जो है तुम्हारी, होम स्क्रीन पे गए, इसका टेक्स्ट साइज वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। टेक्स्ट साइज दे 30,
30 पिक्सल्स का, सेव करते हैं। फिर टेक्स्ट साइज हो गया और यहाँ पर बाकी सब सही है। उसी तरीके से आप अपनी सेटिंग्स स्क्रीन पे देखो, सेटिंग स्क्रीन पे भी ये सही बड़ा है। तो यहाँ पे सेटिंग स्क्रीन पे जाओ, इस पे जा करके 50 की जगह 30 कर लो, सेव किया तो 30 सही हो गया। इसके अलावा आपकी अबाउट स्क्रीन है, हाँ गई अबाउट स्क्रीन, अबाउट स्क्रीन पे गए, यहाँ पे लिखा ना अब हेलो अबाउट स्क्रीन, इसको जा करके करो आप 30 और इसको जा करके करो आप 20, सेव करो। यहाँ से गए होम पे, होम पे तो है ही, अबाउट स्क्रीन पे गए, अबाउट स्क्रीन पे जा करके देखा, ये देखो इस तरीके से आ रहा है। इसे सेंटर में ले आओ टेक्स्ट अलाइन करके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेव किया तो सेंटर में आ गया आपका। या जस्टिफाई देना चाहो जस्टिफाई दे दो, जस्टिफाई हो गया। अंदर थोड़ी सी पैडिंग बना लेते हैं व्यू के अंदर, 20 पिक्सल्स की ये व्यू के अंदर पैडिंग आ गई आपकी। अभी तुम्हें एक चीज तो दिख रही होगी कि यहाँ पर ये जो आइकन आ रहा है बड़ा छोटा सा आ रहा है ना। हेलो, यहाँ पे जो आइकन आ रहा है वो छोटा सा आ रहा है, तो उसको भी सही कर लेते हैं और भी देख लेते हैं। सेटिंग्स स्क्रीन हो गई आपकी सही, प्रोफाइल स्क्रीन सही हो गई, प्रोफाइल स्क्रीन अभी सही नहीं हुई है, प्रोफाइल स्क्रीन पे भी जा करके इसे 50 की जगह 30 देते हैं, सेव, ये सही हो गई। सेटिंग्स स्क्रीन सही है, होम स्क्रीन सही है, सॉरी अभी होम स्क्रीन पे पहुंचे नहीं हम, ये रही अबाउट स्क्रीन, अब जाने के लिए होम स्क्रीन भी सही है। अब क्या करना है आपको, हाँ बोलो। लेकिन जैसे गो टू एक इधर गो टू अबाउट स्क्रीन पे जो आप क्लिक कर रहे हो ना, हाँ क्लिक करने के बाद उस पे आ रहे हैं क्या कहते हैं होम स्क्रीन, होम स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ अबाउट पे आ रहा है, अबाउट पे, अबाउट पे आ रहा है ना। अब इसको गो टू होम स्क्रीन करेंगे तो उस पे लौट रहा था, क्योंकि हमने बैक पे लगाया था। हाँ गो टू होम स्क्रीन पे जैसे क्लिक किया हमने, हाँ वो होम स्क्रीन पे आ रहा है। अब ये जो हमने ये ड्रॉवर जो बनाया है, हाँ इसमें जो ऑप्शन आ रहा है होम का, तो वो अभी जो सेटिंग वाले कैसे आ रहे थे, सेटिंग करके जो आप ब्राउज़र पे शो हो रहे थे, कहाँ पे सेटिंग्स वगैरह आ रहा था? अभी होम पे क्लिक कर रहे थे ना, ये वाला जो ड्रॉवर आया है, हाँ ये रहा, ये रहा, तो होम पे क्लिक किया हमने, हाँ ठीक है, तो वो सेटिंग सेटिंग कहाँ पे आ रही थी, सेटिंग ऑफ सेटिंग, ये तो है तो सही है, नीचे है तो सही सेटिंग्स वगैरह, मैं सेटिंग पे क्लिक कर दिया, टैब नेविगेटर बार में डालेंगे, ठीक ठीक है। अब मेरे को वो देख लेना, तो जो सबसे मेन चीज थी स्टैक नेविगेटर में जाकर के तुमने जो अपने आइकन्स वगैरह दिए वो सही नहीं दिए, एक्चुअली होम स्क्रीन पे हमने दे दिया है कलर ग्रीन और साइज वगैरह, इस पर साइज नहीं दिया, इसलिए इसका साइज तुम देख सकते हो अबाउट स्क्रीन पे जाकर के देख सकते हो कि इसका साइज कितना छोटा आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका साइज भी दे दो भाई। और जो कलर है वो व्हाइट दे देते हैं, यहाँ पर भी साइज दे देते हैं, साइज इसका कलर ग्रीन की जगह व्हाइट साइज दे दो इसको, साइज इज इक्वल्स टू 30 और यहाँ पर साइज जो है इज इक्वल्स टू 35 और कलर व्हाइट, सेव कर लेते हैं। तो मैं दिख गया होगा कि आइकन आपका बड़ा आ गया और व्हाइट कलर में भी आ गया। आप सेटिंग्स पे जाकर के देखोगे तो आपका वो सेटिंग्स पे भी व्हाइट कलर का आ रहा है और इस पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो प्रोफाइल प्रोफाइल है ये सब तुम्हारी किस में आ रही है, ये आ रही है आपकी ब्लैक कलर में, ठीक है ना। तो इसमें होता है हेडर, हेडर टिंट कलर, ठीक है, और इसे दे दो आप व्हाइट, सेम यही चीज मैं बाकी समय भी फॉलो कर दूंगा, टिंट कलर ही है। चेक स्क्रीन, यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, सेव करते हैं। तो देखो ये व्हाइट कलर का हो गया, होम पे गए हम, वो अबाउट स्क्रीन भी व्हाइट है, होम पे पहुंचे ये भी व्हाइट है, सेटिंग स्क्रीन क्लियर। इस तरीके से आप एक स्टैक नेविगेटर लगा सकते हो। अब देखो मैंने ट्रांसपेरेंट किया था, हेडर ट्रांसपेरेंट विजिबल, अगर ट्रू नहीं देता इसे मैं और फॉल्स ही दे देता तो एक तरीके का हेडर आ रहा होता आपके पास, देखो इस तरीके का, अच्छा,
ठीक है ना, हेडर ट्रांसपेरेंट दे करके ये। अब नीचे ये जो आपका ऑरेंज कलर आ रहा है टैब बार का, तुम चाहो तो इसमें दूसरा भी दे सकते हो टैब बार का, जो देना चाहो। तो इसके लिए टैब स्क्रीन में जाओ, टैब नेविगेटर कंपोनेंट, और इसमें जा करके बैकग्राउंड कलर बार स्टाइल में दे दी ना, बैकग्राउंड कलर टोमेटो, ठीक है ना। वो बाय डिफॉल्ट दे रखा था लेकिन मैं नहीं दे रहा, मैं कुछ और दे देता हूँ, मैं इसे दे देता हूँ वाइट। सेव किया, ये वाइट कलर का होगा, क्लिक किया, ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके ये चीज होती है इम्पोर्टेंट, तुम जो चीज पूछ रहे हो पता नहीं क्या क्या चीजें पूछा जा रहे हो। सर इसका आइकन का जो साइज बढ़ाता वो एक सब पे बढ़ाता ना, ऐप का साइज किस में बढ़ाता है आइकन का, जो स्मॉल आइकन का साइज स्मॉल बढ़ाता ना। हाँ ये जो नीचे होता है तो टैब नेविगेटर बार होता है, ठीक है ना, और ये ऊपर जो आपने इसमें ये जो आइकन का साइज बना रहा था होम के जो लेफ्ट में, ये इसे क्या बोलते हैं, ये वाले को, ये मेन्यू बार होता है, हैमबर्गर कहते हैं वैसे से, हैमबर्गर कहते हैं, हैमबर्गर आइकन कहते हैं, लेकिन ये मेन्यू बार ही कहते हैं, ठीक है ना। स्टैक नेविगेटर ही होते हैं ना ये, स्टैक नेविगेटर में आता है। देखो ऊपर का जो आता है आपका वो स्टैक नेविगेटर में आता है, लेकिन आप नीचे वाले को भी ऊपर लगा सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए एक प्रॉप होती है, स्टैप बार पोजीशन होती है, बीच में वो भी आता है बॉर्डर करके, हम उसका क्लिक करते हैं पोजीशन, क्या कह रहे हो, एक बॉर्डर भी तो आता है जैसे हम उसमें बीच में लाइन बनी रहती है दोनों के बीच में, बॉर्डर भी आता है, मैं समझा नहीं। ये ना आपने आइकन लगाया और होम लगाया, इन दोनों को एक ही डिब्बे में डाल देते छोटा सा बन के, जैसे वो चारों तरफ बॉर्डर हो जाता है। मेरे को तुम दिखा ना तब जाके मुझे पता चली, वैसे समझ में नहीं आ रही। जैसे कि ऊपर की जो बैटरी आ रही है ना 100% 9% जैसे करके भी बॉर्डर बनना ब्लैक में चारों तरफ से। हाँ हाँ ऐसा ऐसा मतलब ऐसा कलर, अरे कलर की नहीं गया, चारों तरफ हम बॉर्डर नहीं करते इस तरह से, इसमें बॉर्डर भी तो आता है इस तरह से। अरे तो वो बॉर्डर क्यों लेना चाह रहे हो, वो बॉर्डर आ जाता है, तुम एक काम करो ना, फिर ट्रांसपेरेंट का को दे रहे हो, फिर इसमें ये जो कहा गया आपका, इसे सेव कर लेते हैं। ओहो गलती हो गई, सेव कहाँ गया आपका, स्टैक नेविगेटर कंपोनेंट है, यहां पर जाने के बाद आपका ये जो हेडर है, हेडर ट्रांसपेरेंट है, इसे ट्रू मत करो, ठीक है ना, और इसमें जाकर के इसके कलर को, बैकग्राउंड कलर को, स्टाइल को वो कर दो ट्रांसपेरेंट, और उसके चारों तरफ बॉर्डर खींच दो, जैसे कैसे, हेडर स्टाइल, एडर एच ए डी ई आर, टाइटल स्टाइल कहाँ गया, एडर कंटेनर स्टाइल, मेरे को वो याद नहीं आ रहा, टाइटल कंटेनर स्टाइल, एडर लेफ्ट कंटेनर स्टाइल, नहीं एडर कंटेनर स्टाइल देखना है मेरे को, इसको पहले तो है ना सही करूँगा, अब वो मेरे को याद नहीं है उसकी प्रॉप्स कौन सी थी, लेकिन हेडर स्टाइल ये रही, हेडर स्टाइल ये रही, हेडर स्टाइल, ठीक है ना। अब इसमें क्या करो, बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर दे दो 2 pixels का border width, oh sorry 2 देनी है, और border width क्या आ गया, एक तरीके border आ गया। अब इसमें actually क्या, icon जो है ना वो white color के दे रखते हैं, अगर black दे दोगे तो black आ जाएंगे, आ गया, और ये तुम्हें home भी दिख रहा होगा पर वो अभी आ रहा है। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, अगर border देना चारों तरफ तो header की style भी होती है अपने अपनी, पर मुझे यही सही लगता है, header transparent true करके, ठीक है ना। तुम यहाँ पर आइकन दूसरा भी ले सकते हो तुम चाहो तो, जैसे कि मैं दिखाऊं, मेन्यू आइकन देखते हैं, मेन्यू आजकल ये वाला आइकन नहीं चल रहा, आपके जो चल रहे हैं वो आजकल दूसरे आइकन चल रहे हैं, कहाँ गया, इसको हटा देते हैं,
हेडर में चलते हैं, अभी दिखा देगा अपने को सारे। दूसरे आइकन चल रहे हैं आजकल, ये वाला नहीं चल रहा आजकल, चल रहे हैं तुम्हारे इस तरीके से, कहाँ गया वो? एक मेन्यू है क्रॉस वाला भी होता है, क्रॉस मेन्यू करके आयोनिकन्स में होगा वो शायद से। अच्छा वो मिला ये वाला, इस तरीके का आइकन चल रहे हैं आज टाइम पे। जैसे कि मटेरियल आइकन्स ले लेते हैं, ये कॉपी, और यहाँ पर एन टाइपो की जगह ये पेस्ट कर देते हैं और आइकन ही ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका मेन्यू ओपन है, ये वाला आइकन कॉपी करो और ये यहाँ पर डालते चले जाओ आइकन में। फाइल सेव, अबे चेक करते हैं ये आ गया। थोड़े से इस तरीके का आइकन, चारों में मेनू ओपन लिखना पड़ेगा, आइकन 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 में हाँ बार बार। सबको सब में लिखना पड़ेगा, वो सब में अलग अलग सीन में पास कर रहे हो ना आप। ठीक है, तो ये था आज आपका कि कैसे कंबाइन करते हैं ड्रॉअर को, स्टैक को, टैब नेविगेटर को। क्लियर? अब कल से हम लोग जो पढ़ेंगे वो रिएक्ट नेटिव के यूआई फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्ट नेटिव में यूआई फ्रेमवर्क कौन सा है। ठीक है अरे ये ना, वाली फाइल है ना, ये 5 जो फाइल आपने क्रिएट करनी है, ये उसमें क्या करते हैं, सेंड कर देना सर। प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो हेलो, तुम? प्रैक्टिस कर लूंगा, लेकिन ये आप फाइल जल्दी, जैसे वीडियो आती है लेट सर इस चक्कर में। ठीक ठीक है चलो, मैं फाइल भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ठीक। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप लॉग इन कर सकते हैं www.learntounless.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।